हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं उमबीर, आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी और बहुत ही खुशी का भी दिन है आज। देखिए, जैसा कि मैंने इस जो वीडियो मैंने कल डाली थी, उससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी, आपको मैंने कह दिया था कि 15 अक्टूबर लास्ट है और 15 अक्टूबर से पहले आपकी आंसर की आ जाएगी। मैंने जैसे ही वो वीडियो बनाया तो कुछ लड़कों ने गलत कमेंट किए थे कि इतनी जल्दी आंसर की नहीं आएगी, ये सब बकवास है, बहुत लड़कों ने कमेंट किए थे। फिर मैंने उसमें थोड़ा सुधार किया और मैंने एक और वीडियो डाली और उसमें मैंने कह दिया कि जो आपकी आंसर की है वो लगभग 25 या 23 अक्टूबर के आसपास आपकी आंसर की आ जाएगी। लेकिन देखिए, रेलवे इतना फास्ट है कि रेलवे आप लोगों से भी फास्ट है और उन्होंने आंसर की घोषणा कर दी है। और ऑफिशियल मैं आपको दिखा दूं ये आंसर की आपकी कब आएगी। पहले मैं आपको बता दूं, देखिए मैं जो भी कुछ कहता हूं मैं पूरा एनालाइज करने के बाद ही कहता हूं और जो भी कुछ कहता हूं सही कहता हूं और अभी तक जो भी कुछ कहा है वो सही होता आया है, यानी कि मैं जो कहता हूं 90% सही ही होता है, क्योंकि मैं पूरा एनालाइज करने के बाद ही आपको बताता हूं। तो जो लड़के गलत कमेंट कर रहे थे कि आंसर की 14-15 तक नहीं आएगी, ये नहीं आएगी, अब खुद ही देख लो, खुद ही रेलवे अपनी बातों पर भी खरा उतर रहा है, क्योंकि ये भर्ती उनके लिए बहुत जल्द कंप्लीट करनी है और तुरंत ही उनको न्यू वैकेंसी निकालनी है। देखिए, जब आप रेलवे की कोई सी भी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करोगे तो आपको ये दिखाई दे जाएगा, यहाँ लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, यानी कि जो भी आपकी 2019 में ग्रुप डी की वेकेंसी निकली थी और जो CVT बन हुआ है उसके लिए इन्होंने क्या कहा है। देखिए, इसमें आप देख भी सकते हैं, द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फॉर पे लेवल 1, यानी कि मैं आपको मेन चीज बता देता हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें तो यही है कि आपका एग्जाम कब से कब तक कंडक्ट कराया गया। मेन चीज आपकी ये है कि जो व्यू क्वेश्चन पेपर एंड रेस्पॉन्स एंड आंसर की जो है आपको 14/10/2022 यानी कि कल दोपहर 1 बजे से आपकी आंसर की ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। हो सकता है ट्रैफिक की वजह से आप कल सही समय पर आंसर की चेक नहीं कर पाओ, लेकिन शाम होते होते यानी कि शाम को 7-8 बजे तक हर कोई अपनी आंसर की आसानी से चेक कर सकता है। वैसे तो आप 1 बजे के बाद ही चेक कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ ट्रैफिक की वजह से या कोई भी अगर नेटवर्क इशू या कुछ भी होता है तो वहाँ पर ये समझ हो सकता है कि आपको शाम तक हो जाए, इतना लेट हो सकते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होंगे। तो कल आपके आंसर की आ रही है और अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं कितने गलत हैं। उसके बाद आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट लगता है तो आप उसके लिए देखिए ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं। 15/10/2022 से आप ऑब्जेक्शन लगाएंगे और 19/10/2022 तक आप इसका ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन गलत होता है तो ये फिर रिवाइज आंसर की ये समझिए कि 5-6 दिन में यानी कि 25-26 अक्टूबर तक आपकी आंसर की आ जाएगी। और जिस हिसाब से रेलवे चल रही है, मैं आपको बता दूं जो आपका रिजल्ट है नवंबर में आने की, अब 100% चांस बन चुके हैं कि जो आपका रिजल्ट है वो नवंबर के लास्ट वीक तक अब 100% आने की संभावना बढ़ गई है, जिस हिसाब से रेलवे ने तेजी दिखाई है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, तो देखिए आपके लिए जो भी आप रेज लगाएंगे उसके लिए आपको ₹50 चार्ज देना पड़ेगा। और ये जो प्रोसेस है कैसे कैसे देना, देखिए ये तो चार्ज के बारे में दे दिया है कि ₹50 आपके चार्ज लगेंगे। और देखिए मेन चीज़ यही है कि आपकी आंसर की आ रही है और आपका रिजल्ट भी जल्दी आने वाला है और जल्दी ये भर्ती पूरी होने वाली है। तो देखिए इस वीडियो में बस इतना ही, मैं आपको बस यही खुशखबरी देना चाहता था कि रेलवे की आंसर की अब आने वाली है, कुछ ही घंटों का इंतजार है, यानी कि ये समझिए कि अब ज़्यादा यानी कि 24 घंटे का भी आपको इंतजार अब नहीं करना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।